वाइड शूट प्लान किया था, लेकिन मौसम ने फिर से पानी फेर दिया शूट पर। मौसम देख रहे कैसा है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे आई डोंट नो। इधर भी एक्टर्स का अरेंजमेंट किया। हे भगवान, क्या चाह रहे हो यार, करा दो शूट ना यार, क्यों बारिश कर रहे हो बार बार भाई, मेरे अरमानों पे, मेरे शूट पे पानी फेर रहे हो, क्या ही मिल रहा तुमको। गाइस यहाँ पे कुछ नया सा दिखने वाला है कुछ दिनों में, जल्दी दिखेगा आपको, कुछ दिखेगा और वो ट्रांजिशन जल्दी दिखाएंगे अपने किसी ब्लॉग में। आज बहुत बारिश हो रही है भाई, शूट जो है वो हम लोग का मतलब वो नहीं हो पाएगा आज, तो फिर आज क्या करेंगे, लेट्स सी क्या करेंगे, जो महादेव करवाएंगे वही करेंगे। ठीक है, फिलहाल तो हम जा रहे हैं पापा और जीजू को लेने, वो लोग ही पास में रॉयल इनफील्ड के शोरूम में क्या कर रहे हैं पता नहीं, देखते हैं। सुबह से 4 बज गया, मतलब सुबह हुई थी 10 बजे और तब से 4 बज गया है और मौसम ऐसा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं यार, मतलब लग ही नहीं रहा है कि सुबह भी हुई थी, शाम में ही दिन हो गया था ख़त्म, और ऊपर से फोटो खींच रहे भगवान जी। तो गाइस आज हम लोग शूट कर रहे थे, लेकिन धूप बहुत ज़्यादा थी, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोकेशन चेंज करेंगे, और लोकेशन लोगों ने चेंज किया, तो हम लोग आ गए हैं नागेश्वर नाथ। यहाँ पे स्टेयर्स हैं और काफ़ी अच्छी लोकेशंस हैं, तो फिर हम लोग यहाँ पर शूट कर लेंगे, अभी देखते हैं लोकेशंस कहाँ पे सबसे अच्छी मिल जाएंगी। ये देखिए, आइए देखते हैं कहाँ पे लोकेशंस मिल जाएंगी अच्छी। बतख भी हैं काफ़ी। और हाँ गाइज, अगर आपने हमारे व्हाट्सएप के चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सॉरी फॉलो किया, तो फॉलो कर लीजिएगा। हम लोगों ने चैनल बना लिया अपने कलाकारविद कैमरा का, तो लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से क्लिक कर सकते हो। ये दूसरा लोकेशन का शूट है, देख लीजिए अच्छा लग रहा है, वो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर पानी पड़ा हुआ है तो चल रहा है जनरेटर, इसकी वॉइस बहुत ज़्यादा होगी तो हम लोग की डबिंग नहीं हो पाएगी। हम लोग वैसे भी बहुत लेट हो चुके हैं वेब सीरीज़ में, तो हम लोग अब डबिंग का नहीं सोच रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट रियल टाइम जो हम लोग डब करते हैं उससे करने वाले हैं, तो इसके लिए हम लोग उस तरफ जाने वाले हैं। और यहाँ एक और ऑडिटोरियम टाइप का है जहाँ पे आप पता नहीं क्या होता है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो होता है। और ये उधर से हम लोग आए थे पीछे से, और यहाँ पे भी चल रहे हैं, और इधर शूट करने को सोच रहे हैं। करिश्मा भी है हमारे साथ में, यहाँ पीछे से आ रही हैं। तुम फेक स्माइल देती हो? नहीं है, रियल स्माइल देती है। फिर नीचे आओ पहले, अच्छा उनको फेंकेगा उठा करके। 4 डॉल्फिन जो है ना वो क्या डोनेट कर रही पता है, प्रखर हम अमन तुम गोइंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस फॉर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा। लोकेशन जो है वो फाइनल हो गई, यहाँ पे करेंगे शूट हम लोग। ये लोकेशन क्लियर हो गई, यहीं करेंगे। पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, इधर का भी अच्छा है, पीछे का भी अच्छा है, साइड का भी अच्छा है, तो यहीं पर करने वाला है। जो कि अभी यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन पे आ गए हम लोग, क्योंकि वहाँ बहुत गंदी वो थी एक्सपोजर। गाइस ये लोग, ये प्रकार का आपका कम से कम 200वां डायलॉग है और अभी तक ये कर नहीं पाया, और पता नहीं कब कर पाएंगे भाई साहब, इसीलिए हम शॉट पर ऊपर ले रहे हैं। कब करोगे भैया, ड्रोन कब लिए भैया? ये ड्रोन शॉट हम लोग ले रहे हैं। सो गाइस पता नहीं कब तक के ये लोग कर पाएंगे शॉट, आई डोंट नो, लेकिन जब भी होगा तो हो जाएगा। सो गाइस अभी बज गया है 3:30, और एक्चुअली हुआ ये है कि मतलब थोड़ा सा यहाँ नॉइज़ भी है, और मतलब प्रखर मतलब काफ़ी बार टेक देने के बाद में होता नहीं है कि इंसान कांस्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा छोड़ देना चाहिए। एंड काफ़ी देर से यहाँ कुछ खाए पिए भी नहीं है, तो फिर मैं बाहर आया हूँ कुछ खाने के लिए लेकर के, क्योंकि प्रखर टेक्स नहीं दे पा रहा है, मतलब क्योंकि वो कांस्टेंट हो चुका है। अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें किस फ्लो में बोलना है और किस फ्लो में क्या इंटेंसिटी लगने वाली है, तो ये सारी चीज़ें, तो मैंने उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, रिलैक्स हो जाए, पानी और कोल्ड ड्रिंक चलते हैं, फिर एक बारी और टेक लेते हैं। अभी तक के एक भी शॉट नहीं निकला है। अब भाई ये 3rd लोकेशन है, पहली वहाँ थी, दूसरी उस मंदिर पे थी, तीसरी वहाँ गए थे लेकिन हुई नहीं, लेकिन 4थी लोकेशन होगी। अभी 4थी लोकेशन है, देखते हैं कैसा करता है लड़का ये। भाई ये लड़का बहुत रुला रहा है यार, बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा। एक छोटा जायला हो गया वो हम रो रहे हैं, और तुम लोग कहते बड़े अच्छे एक्टर हैं। ये अच्छे एक्टर, इनका शक्ल देखो, एक्टर शक्ल लग रही है इनकी हैं भैया। 1 बजे से लेकर के 4:47 तक के क्या बोलते हैं एक डायलॉग नहीं निकाल पाए, और जबकि ये एक बार ये डायलॉग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो ये हैं तुम्हारे एक्टर, ये क्या बोलते हैं इनको, कॉमेडी किंग बोलते हो के KWC के। देख लो मुँह, देखो शक्ल देखो जरा, किसी आए हुए आज। क्या पता है प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे, प्रॉब्लम ये है कि सबसे प्रॉब्लम तुम हो, घुसते नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम कभी एक्टिंग की क्लास लेते ही नहीं हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम डायलॉग्स को फील करते ही नहीं हो, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम बाहर आके हेजिटेट हो रहे हो, और उससे बड़ी एक और प्रॉब्लम ये है कि तुम रिहर्सल्स करो, और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है नीचे देख के, वो भी एक प्रॉब्लम, यही एक प्रॉब्लम है। यही एक प्रॉब्लम है कि तुमको एक्टिंग के छोड़ के हर सारी चीज़ों पर ध्यान रहता है कि नीचे क्या जा रहा है, पीछे क्या जा रहा है, आगे जा रहा है। शक्ल देखो शक्ल, कौन सा बर्थडे, 30वां बर्थडे, ये बर्थडे। तो क्या कहना चाहेंगे आप, कैसा लग रहा है आपको? कुछ नहीं कहना चाहेंगे तो ठीक है, केक क्योंकि आज व्रत है ना। और सबसे बड़ा स्कैम ये है कि भाई आज का बर्थडे तो है लेकिन व्रत है, तो ये केक खा नहीं सकता। चलिए भैया केक कट करिए। हैप्पी बर्थडे टू यू।